सो यस सो वी स्टडीड बेसिकली क्लास लेवल सिविक्स चैप्टर वन विच वॉज वॉट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी ओके सो डेमोक्रेसी बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल सो हु इज द रूलर्स हाउ इलेक्शंस हैपन पीपल वाई पीपल इज इम्पॉर्टेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी तो डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजन जो लिए गए लीडर्स के द्वारा हमने पाकिस्तान का एग्जांपल देखा है ना तो जनरल परवेज मुशर्रफ जिन्होंने मिलिट्री कब थे उन्होंने अपने आप को डिजिग्नेट कर लिया एज अ प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट बना लिया तो यहाँ पे क्या ये डेमोक्रेसी है हमने पढ़ा है कि क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है रूलर है वो इलेक्ट होना चाहिए बाय द पीपल तो बट यहाँ पे उन्होंने अपने आप को खुद ही एक रेफरेंडम लाए 2002 में और ग्रांट कर दिया और एक्सपेंशन ऑफ 5 ईयर्स कर लिए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए जो रेफरेंडम लाए उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए रेफरेंडम क्या होता है उसमें येस और नो बोलते हैं और अपने आप को फिर वो लीगल फ्रेमवर्क में भी लाए थे और काफ़ी डिसीजन ले लिए जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकते थे अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि नेशनल असेंबली स्टेट असेंबली डिसमिस कर सकते थे तो नेशनल सिक्योरिटी सुपरविजन सिविलियन ये सब लाए बट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन जो होना चाहिए वो उनके पास होना चाहिए जो कि पावर में हो और जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट हो पावर में जो हो जो ही मस्ट बी इलेक्टेड और एंड ही शुड बी बेसिकली टेकिंग द डिसीजंस तो डिसीजंस कौन लेना चाहिए जो कि पावर में हो और जिसको लोगों ने इलेक्ट किया हो ठीक तो ये चैप्टर हम पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर हमारा खत्म है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ओके तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो था आपका है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो क्या था अब इलेक्शन तो होंगे बट फ्री एंड फेयर होने चाहिए तो कंपटीशन इलेक्ट्रल कंपटीशन देखते हैं तो चाइना में देखो क्या था कि हाँ 5 ईयर में इलेक्शन होते थे नेशनल पीपल कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट थी तो एक केस मैक्सिको का भी है ना चाइना में था कि आपको अगर कैंडिडेट हो आपको अप्रूवल चाहिए होता था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जिससे कि आप इसके मेंबर बन जाओ किसके नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अगर आपको इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है या फिर मेंबर बनना है किसके नेशनल कांग्रेस का तो वो आपको अप्रूवल चाहिए एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी और ये सिंगल पार्टी रूल एक तरीके से कह सकते हो अब क्या था एक जगह मैक्सिको में इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन पार्टी थी ठीक है जो कि हर बार इलेक्शन जीत जाती थी कैसे तो वो एक डर्टी ट्रिक्स और एक तरीके से पॉलिटिक्स खेलती थी जिसमें कि वो बोलती थी टीचरों को कि बोले अपने बच्चों को माता पिता को कि वोट सिर्फ किसको दे वोट दे तो PRI को दे तो इसलिए वो हर बार जीत जाती थी मैक्सिको में तो क्या ये डेमोक्रेसी है वॉट वी कैन कंक्लूड सो वॉट वी कैन कंक्लूड सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो इलेक्शन जो है वो फ्री फेयर होना चाहिए ऐसे कोई कोई किसी को फोर्स ना करे या फिर यहाँ पे कोई और कंट्री में एक ही पार्टी बार बार जीत रही हो अनफेयर मीन यूज करके तो इलेक्शंस जो है मतलब जिससे हम गवर्नमेंट चूज करते हैं वो फ्री एंड फेयर हो तो वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चॉइस ऑफ लूजिंग और जो कि पावर में वो हारे भी हर बार जीते ना ठीक है अब हमने पढ़ा था 1 person 1 vote 1 value तो इसमें हमने क्या पढ़ा था 1 person 1 vote 1 value में कि डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote value मतलब कि कोई भी हो एडल्ट पर्सन उसके पास खाली वोट जो देंगे वो एक होगा और उसकी वैल्यू भी एक होगी तो कुछ एग्जांपल्स हमने बट यहाँ देखे कि ऐसा नहीं था पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं थी है ना जैसे कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट टू वोट नहीं था है ना
और एक एस्टोनिया एक कम्युनिटी थी रशिया में, रशियन माइनॉरिटी थी, उनको जो है राइट टू वोट में बहुत डिफिकल्टी आई थी क्योंकि उनको वोट देने का राइट नहीं मिल रहा था। हाँ, और फिजी का एक एग्जाम्पल था कि जहाँ पे इंडिजीनियस जो फिजी लोग हैं उनके वैल्यू ज़्यादा थी वोट की इंडियन फिजियन से। हाँ, इंडियन फिजियन जो थे उनसे वोट वैल्यू ज़्यादा थी किनकी, जो मतलब कि वहीं के फिजियन थे, वहीं के इंडिजीनियस थे, मतलब वहीं पैदा हुए थे, उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा थी। अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, इसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल हो इक्वालिटी क्या होती है कि सबको सेम वोट वन वैल्यू, सिंगल वोट की वन वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, मतलब कि जो रूल हो है ना लॉ का हो और रिस्पेक्ट हो राइट्स की। तो ये जिम्बाब्वे में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस जब मिला उन्हें 1980 में, तो रूल ऑफ जानू लगा दिया जिस पीएफ पार्टी ने, और वहाँ के जो एक लीडर थे रॉबर्ट मैगबी, तो वो यूज़ करते थे अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे इलेक्शन में, और अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन अपने फेवर में, और अपोजिशन जो थी पार्टी वो वर्कर्स जो थे उनको हरेस करते थे, और प्रोटेस्ट होने पर उसे इलीगल बताते थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे वो लोग ये भी करते थे टेलीविज़न और रेडियो को कंट्रोल करते थे गवर्नमेंट, तो ये फ्रीडम तो हमारी छीन ली, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जुडिशरी जो थी वो भी इग्नोर की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या हुआ, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, तो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, वी कैन लर्न अ पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, मतलब गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये पॉपुलर हैं बट ये डेमोक्रेसी मान रही नहीं है, अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन है, तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। तो जब ही हम डेमोक्रेसी कहेंगे जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो रूल ऐसे करे कि कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ भी माना जाए, यानी जो सेट किए हैं लिमिट्स कि हाँ भाई तुम ऐसे कर सकते हो ऐसे नहीं कर सकते हो भले तुम रूलर हो, तो ये माने और लॉ जो है वो तो हो बट सिटीजन के राइट भी हो, जैसे कि बोलने की आज़ादी हो, बट जिम्बाब्वे में तो नहीं थी, तो जहाँ पे सिटीजन्स के राइट्स भी होंगे वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो समरी यहाँ तक में हमने देखी थी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि रूलर्स इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा, और इलेक्टेड बाय द पीपल एंड टेक ऑल द डिसीजंस, ठीक है, सारे डिसीजंस वही लेते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है ना बेसिकली। और यहाँ पे जो है इलेक्शंस के बाद हमें चॉइस होती है, अपॉर्चुनिटी रहती है हमारे पास चेंज करने की करंट रूलर्स को, अगर अभी के जो रूलर हैं वो हमें नहीं पसंद तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। सो दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस, और ये सब पे जो जो जिन जिन पे वोट का अधिकार है उनको ये भी राइट है कि वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा वही होगा जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो रूल्स माने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो सेट हैं, और सिटीजन के राइट्स को भी ध्यान रखे जो रूलर्स हो, है ना। और आज हमने पढ़ा कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स मतलब कि यहाँ पे क्या कमियाँ हैं किसके में, डेमोक्रेसी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थी कि लीडर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, इससे इंस्टेबिलिटी होती है लीडर्स चेंज होने से, और डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो पावर पावर प्ले होता है, और पावर प्ले में क्या करते हैं वो लोग मोरालिटी भूल जाते हैं, पैसे दे करके जीतते हैं या किसी भी डिसीजन से जीतते हैं। तो आपका जो डेमोक्रेसी चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी, उसमें हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी की तो होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कब हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, फिर हम कुछ अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ते हैं कि भाई ये सब कमियां हैं डेमोक्रेसी में, एक तरीके से डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस हैं डेमोक्रेसी के। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी, जिससे टाइम लगता है, अब सबके साथ वोट होता है, सबसे पूछा जाता है, तो इससे डिले होता है, डिले होता है कि कब कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, या फिर ये कंसल्ट करते हैं तो डेमोक्रेसी में डिले बहुत होता है, टाइम लगता है। और इलेक्टेड लीडर्स जो है वो हमारे इंटरेस्ट जानते नहीं है, गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो जैसे कि वो गलत डिसीजन कौन से हो सकते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गया, लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बट जो हमने जिनको वोट दिया उन्होंने ऐसा कर दिया, गलत ले लिया डिसीजन, तो उन्हें पता नहीं है ना कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उनको हमने चुन तो लिया है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज वेल, तो डेमोक्रेसी से करप्शन भी होता है। करप्शन कैसे होता है कि जो लीडर जीता वो उस किसी और पार्टी में चला गया, या फिर लोगों को पैसा खिला दिया, है ना,
या फिर जो लीडर है वो मान के चलो पैसा खा के काम कर रहा है, तो बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन कि सब जीतना चाहते हैं। अब दूसरी पार्टी जीतेगी तो वो चाहती है कि दूसरी पार्टी में जो जीता हुआ है उसको हम अपनी तरफ कर लें, इससे वो करप्शन करके उनको अपनी तरफ कर लेती है, और ये इलेक्टोरल कंपटीशन में होता है। और ऑर्डिनरी पीपल जो है, ये लास्ट पॉइंट है आर्ग्यूमेंट का, कि ऑर्डिनरी पीपल मतलब सामान्य कॉमन पीपल, जो उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें बेस्ट हैं उनके लिए, क्या चीज़ें बेस्ट नहीं हैं, तो वो कैसे भी किसी को भी वोट दे देते हैं। वो पैसा लेकर के दे दिया वोट, या किसी चीज़ को लेकर के वोट दे दिया, तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं होती है ना, कि मान के चलो उनको पता ही नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट उनके लिए बेस्ट है ना। सो दे शुड डिसाइड वाइसली। पहले तो पढ़े लिखे लोगों से ही वोट डलवाते थे, बट अब सबसे डलवाते हैं, तो ऑर्डिनरी पीपल को पता ही नहीं है उनके लिए सही क्या है ना। तो ये चीज़ें हमने आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ ली। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब अब कुछ चीज़ें अच्छी है डेमोक्रेसी में, मतलब कि डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस या मेरिट्स कह लो, तो क्या। हाँ तो एक फेमाइन आया था 1958 में, 1961 में भुखमरी आई थी साउथ एशिया में, तो एक डेमोक्रेसी कंट्री ने कैसे हैंडल किया उसको, और एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री ने कैसे किया। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में है वो बेटर गवर्नमेंट होती है, उसमें अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उनको जवाब देना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ गलत हो गया हमारे साथ, खाने को नहीं मिला तो हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं। बट वहाँ अनडेमोक्रेटिक में कोई किसी को नहीं बोल सकता है ना, वो तो अपने मर्जी की करते हैं। तो अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे, तो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डिस्कशन होता है, और जहाँ पे इरिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होता है, और डिसीजन क्वालिटी वाले लिए जाते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। तो डेमोक्रेसी में हम ना कन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी ठीक से हैंडल कर पाते हैं, डिफरेंसेस हो गए वो भी हैंडल कर पाते हैं, और पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है और उनकी रिस्पेक्ट होती है राइट्स की। तो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके ऊपर बैठा, जुडिशरी है, तो वो ढंग से हमारी चीज़ों को, राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इन्हेंस करते हैं डिग्निटी ऑफ सिटीजन, कैसे, कि वोट डालने का उनके पास पावर होती है तो उनकी डिग्निटी बढ़ती है इससे, मतलब कि हाँ मेरी भी वैल्यू है, तो वोट डालने का उनकी वैल्यू बढ़ती है। और डेमोक्रेसी जो है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि उसमें लोग कनेक्ट कर पाते हैं गवर्नमेंट से कि हाँ मैंने तो सुना है इसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ओन मिस्टेक्स होती हैं, अगर मान लो गलत गवर्नमेंट चुन ली तो तुम्हारे कारण ही है ना। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखें लास्ट में, तो हम इवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या देखा था कि जो कि क्यों जरूरी है, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल है तो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है बेसिकली। प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल नहीं है कि सबसे डिसीजन पूछे, सबसे एक एक करके कि क्या क्या नोटबंदी करनी चाहिए, अब हर एक से पूछेंगे तो टाइम लगेगा, तो हमने उनके एमपी से ही पूछ लिया। तो एमपी जो है वो वोट किसने दिया, एमपी को हमने दिया है, तो हमारे लिए डिसीजन कौन लेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो पीपल डज नॉट हैव द टाइम, डिजायर और द स्किल टू टेक डिसीजन, तो हर लोग के पास डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, स्किल नहीं है, डिजायर नहीं है, तो इसलिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो काम करते हैं। अब डेमोक्रेसी होती है एक गुड डेमोक्रेसी होती है, तो गुड डेमोक्रेसी में जो है लोगों से कंसेंट लिया जाता है कि क्या ये जो तुम्हारे ऊपर रूल अप्लाई होगा वो तुम्हारे लिए ठीक है, क्या तुम कर पाओगे, तो अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन, तो यहाँ पे कंसेंट लिया जाता है, क्योंकि वो डिसीजन उनको ही अफेक्ट करने वाला है। तो अब यहाँ पे कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती, हर किसी जगह डेमोक्रेसी बिल्कुल परफेक्ट कह लो वो नहीं होगी, बट यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है कि वी द पीपल ऑफ कंट्री मेक इट, हम इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकता है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, आप क्या समझते हैं डेमोक्रेसी से, है ना, और वॉट आर इट्स फीचर, और इसके क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, है ना, डेमोक्रेसी से क्या समझते हो और क्या फीचर है, इसको आपको करना है नोटबुक में। प्रोसेस वेयर पीपल वोट फॉर
और द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक। और फीचर्स आपको बताएंगे अभी मैंने क्या क्या है बेसिकली, है ना, कि यहाँ पे हाँ गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है और वो डिसीजन संभाल ले लेती है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें, और यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे राइट्स की वैल्यू करती है ना, और हमें डिग्निटी मिलती है ना, और ये लिमिट होते हैं, क्यों लिमिट होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनको लिमिट करता है, तो ये हमारे लिए अकाउंटेबल, हमारे लिए काम करती है गवर्नमेंट, और हमने ही चुनी होती है, और हमारे पास ऑप्शन भी होता है इनको हटाने का, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स और डिसएडवांटेजेस भी आ सकता क्वेश्चन, कि क्या है डेमोक्रेसी के मेरिट्स और एडवांटेजेस, है ना। फिर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, अब क्या कमियां हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं डेमोक्रेसी के, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अब एक स्पेसिफिक स्टोरी पाकिस्तान की पूछा जा सकता है, जहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा जिम्बाब्वे में इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्टी ने किया, जानू रूल लाई, मैक्सिको में आपको पता है एक ही पार्टी जीत रही थी, तो इनकी स्टोरी भी पूछा जाता है, ठीक है, जो कि हमने स्टोरी के थ्रू समझा कि डेमोक्रेसी कैसे बेटर है कैसे नहीं, है ना। तो और हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है, कि व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। सो